जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर रनर हर धावक की एक समस्या, पैरों में दर्द। दोस्तों पैरों में दर्द किस प्रकार होता है, क्यों होता है, सिन पेन होने का कारण, काप मसल्स का दर्द का कारण या थाई मसल्स का दर्द का कारण, और दोस्तों इसको किस प्रकार दूर, अगर हो जाता है तो किस प्रकार दूर। पहली बात तो वीडियो का माध्यम यह है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप रनिंग की शुरुआत करते हैं या तैयारी करते हैं तो आपको सिन पेन की प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों लगाने की चीज सिन पेन में क्या लगा के हम दूर कर सकते हैं और किस प्रकार सिन पेन से बचा जाए, ये सारी चीजें वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहली बात, सिन पेन का मेन कारण शूज पहन के अगर आप रनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बिना शूज के भी दौड़ते हैं, वो भी बहुत गलत है। शूज पहनना हमेशा जरूरी है। हो सकता है आपका टाइम कम आ रहा हो शूज नहीं पहनने से, लेकिन आपको आगे दिक्कत आ सकती है भविष्य में। मान लो भर्ती रनिंग में गए, वहां पर आपको कंक्रीट वाला ग्राउंड मिल गया तो वहां पे आपको तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों इस चीज से बचे, आप रोड पर ही रनिंग करें, रोड पर रनिंग करने के बजाय बचे और नंगे पैर दौड़ने से बचे। पहली चीज, शूज का चुनाव गलत करते हैं। टच का लखानी का जूता आता है, हम लोग सभी उसी से फोर्सेस में डायरेक्ट जितने भी बंदे हैं वही पहन के पीटी रनिंग या फिजिकल की तैयारी करते हैं। उसके बाद में आप आते हैं रोड पे रनिंग, बहुत घातक है, आप रोड पे रनिंग ना करें, रोड की रनिंग से बचें ज्यादातर, क्योंकि रोड की बनावट इस प्रकार से होती है दोस्तों, जिसमें अगर इस साइड से आप दौड़ रहे हैं तो आपके इस साइड के पैर में घुटने में दर्द हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में हो सकता है, क्योंकि आप इधर से जाएंगे रोड के उस साइड से आएंगे, एक बार जाना एक बार आना, तो आप इस साइड जा रहे हैं तब भी आपके इस पैर के ऊपर ज्यादा वेट पड़ रहा है क्योंकि ढलवान रहता है रोड का, तो इससे बचे। इधर से आएंगे तब भी इसी पैर पे वेट पड़ेगा क्योंकि ढलवान इधर ही ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों इन चीज को ध्यान दे लीजिए, दो चीज। तीसरी चीज आती है आपकी रनिंग से पहले आप ना तो स्ट्रेचिंग करते ना ही वार्म अप करते, सबसे मेन कारण आपका सिन पेन होने का स्ट्रेचिंग और वार्म अप, ये दो चीज बहुत जरूरी है। आप पहले रनर फर्स्ट में रनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग एक महीना इस प्रकार से आपको स्ट्रेचिंग वार्म अप करना है। मुझे पता है भर्ती रनिंग में आप स्ट्रेचिंग वार्म अप नहीं कर पाते हैं, मैं फर्स्ट का एक महीने के लिए स्ट्रेचिंग और वार्म अप की आपको सलाह दे रहा हूं, जिससे आपका ये सिन पेन नहीं होगा। स्ट्रेचिंग और वार्म अप का वीडियो में आपको बता दूंगा, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज है, अगर सिन पेन की प्रॉब्लम जो है आपको बचना है इसके, तो आपको मैं कुछ बता देता हूं जिसके हो गई है, जिन बंदों के साथ सिन पेन की प्रॉब्लम हो चुकी है उन लोगों को कैसे दूर करना है उसके लिए मैं इस वीडियो में बता देता हूं। आपको इन तीन चीजों को ध्यान देना है, आपका सिन पेन दूर हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है, एक लेना है, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था, सरसों को ऑयल ले लो। सरसों को ऑयल लेने के बाद में उसके अंदर आपके हवन में डालने वाली या पूजा करने वाली कपूर की टिकिया आती है, कपूर की टिकिया के उसके अंदर मिला लीजिए सरसों के ऑयल में, उसके साथ में हल्का चूना लगा लीजिए, उसके अंदर एक गेहूं के दाने के बराबर आप चूना डाल लीजिए। डालने के बाद में उसका उसको हल्का गर्म करना है, गर्म करने के बाद में उसको बढ़िया तरीके से लेप बना लेना है। लेप बनाने के बाद जहां दर्द हो रहा है पैरों में, थाइज में हो, चाहे घुटने में हो, चाहे पैर में हो, एड़ी में हो या तलवे में हो, कहीं भी अगर आपको दर्द है तो उसको आप लगाइए। आपकी सारी चीज चूना आपके अंदर की जो चूना जो है वो आपके अंदर की जो मार है या जिस वजह से दौड़ दौड़ के आपके प्रॉब्लम हो रही है उसको खींच के बाहर निकालेगा। सरसों का ऑयल उसको नरम बनाएगा। और तीसरी चीज, मैंने जो कपूर बताया है, कपूर उसके लिए एक आयुर्वेदिक का काम करेगा और उसको मसल्स को रिकवर करने में आपको मदद करेगा। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से आपको अगर रनिंग की तैयारी करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। और हाँ, रनिंग के बाद एक चीज भूल गया, रनिंग के बाद आपको कूलिंग डाउन करना जरूरी है। कूल डाउन अगर आप नहीं करेंगे रनिंग के बाद, दौड़ के आके सीधा बैठ गए, तो आपको दर्द होगा, आपको सिन पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में रनिंग के तुरंत बाद बैठने के बाद में हम बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे बिस्तर से उठे दौड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों इसलिए बता रहा हूं ऐसा न करें, नए नए आप अगर रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सिन पेन से बचने के लिए इन चीजों का खास करके ध्यान दे लीजिए, नहीं तो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी रनिंग की जो आप तैयारी करने जा रहे हो एक बार अगर सिन पेन हो गया तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से वो सिन पेन दूर होगा। और इसके बाद जो मैंने लगाने के लिए आपको चीजें बताई है, इन चीजों का आप क्या करना है, 5 दिन लगाना है। 5 दिन में आपको क्या करना है, रनिंग भी बंद कर देनी है। 5 दिन लगातार आप रनिंग बंद कर दीजिए, दोनों टाइम सुबह शाम ये चीज लगाइए, आपका सिन पेन 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो इस टॉपिक पे था, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और आशा करता हूं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है उस तक इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।